लहसुन की कीमतों ने मालवा निमाड़ सहित मध्य प्रदेश के किसानों को रुला दिया है। दो महीने पहले सबसे बड़े उत्पादक रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर की मंडियों में थोक में लहसुन 45 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो तक खरीदा गया। किसानों ने प्रदर्शन किए, लहसुन के ढेर पर नाचे, लहसुन की अर्थी निकाली। अब किसान विरोध जताने के लिए बैंड बाजों के साथ लहसुन की बुनाई कर रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आए हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें कुछ किसान बैंड बाजे के साथ लहसुन की कट्टी सिर पर रख कर ट्रैक्टर सीड ड्रिल के साथ बुनाई करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में ट्रैक्टर की सीड ड्रिल के आगे बैंड बाजे वाले चलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो मालवा के किसानों ने बनाकर पोस्ट किए हैं। रतलाम के लहसुन उत्पादक किसानों से बात की। रतलाम के किसान नेता राजेश पुरोहित बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों लहसुन का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों की कमर टूट गई। यह किसान की मेहनत और उसका जज्बा ही है कि वह एक बार फिर इस उम्मीद के साथ उठ खड़ा हुआ है कि उसकी मेहनत और फसल का उचित दाम इस बार उसे जरूर मिलेगा। लहसुन उत्पादक किसान समृद्ध पाटीदार का कहना है कि यह केवल मजाक नहीं है बल्कि किसानों के अंदर की तकलीफ है। इसे किसान सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार लहसुन में घाटे की खेती हो रही है, फिर भी किसान हिम्मत नहीं हार रहा है और बैंड बाजों से उसकी बोनी कर सरकार तक यह संदेश पहुंचा रहा है कि हम लगातार दयनीय स्थिति में आने के बाद भी इस देश का पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।